तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? तो बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइटेनियम बोटॉक्स पर, लेकिन पर हम लोग उल्टे तरीके से करेंगे। उल्टे माने तो आप लोग नहीं समझे, सब लोग टाइटेनियम बोटॉक्स कराते हैं, सब लोग ये कराते हैं, पर ये किसी को नहीं पता 6 मंथ के बाद कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। पर आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ 6 मंथ में कराना चाहिए कि नहीं चाहिए, पर करना चाहिए। पर ये मैम का हो चुका है 6 मंथ से ज़्यादा, पर ये मैं से पूछ रही थी क्या मैं केराटिन करा सकती हूँ वापस। मैंने बोला जी हाँ, आप करा सकते हो, क्योंकि आपके इस हेयर को हेल्दी मिलेगा, क्योंकि केराटिन एक हेल्दी प्रोटीन ट्रीटमेंट है। तो आप लोग, मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आप लोग फिर से कराइए, ठीक है? तो आप लोग को दिखाते हैं कैसे करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपको कमेंट प्लीज़ मुझे करिए आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए, तो हम लोग उस टॉपिक में हम लोग वीडियो लिखेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग ने हेड वॉश तो कर दिया है, ठीक है, सॉरी मैं वो वीडियो निकालना भूल गया हूँ। तो हम लोग, मैं जल्दी जल्दी भी थे, मेरे पास क्लाइंट भी बहुत था, आपको पता ही है सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन में बहुत वर्किंग डे रहता है। तो हम लोग इनका वॉश करने के बाद हमको सेक्शन बाई सेक्शन हम लोगों को अच्छी तरह से अप्लाई करना है, और ड्राई हेयर पे करना है, 100% हमारे हेयर ड्राई होना चाहिए। और आप लोगों को एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी तरह से नीटनेस की तरह, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो पे मैं कैसे कितने नीटनेस से और एकदम फाइन सेक्शन से मैं केराटिन ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहा हूँ। तो अप्लाई करने अपने डायरेक्टली ऐसे नहीं लगाना, डैप डैप करके लगाना है, हमेशा याद रखना है इस, ठीक है गाइस, डैप डैप करके लगाना है। तो इससे अच्छी तरह से आपको बीच में कॉम्ब भी करना है, जिससे बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए, ठीक है? तो आप लोगों को उस तरह से आप लोगों को केराटिन अप्लाई करना है, ठीक है गाइस? और केराटिन कराओ, मैं तो यही कहता हूँ, आजकल स्ट्रेटनिंग का ज़माना चला गया है गाइस, मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग केराटिन ही, मैं अच्छे सैलून में जाओ, प्रोफेशनल सैलून में आप लोग पूछो कौन सा है, मैं तो भाई मैं अपने सैलून में तो टाइटेनियम बोटॉक्स यूज़ करता हूँ, वो भी कोको कोमाना का, ठीक है? तो ऐसे ही आप लोग ने सेक्शन बाय सेक्शन लगाना है। और केराटिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, आप लोग टाइटेनियम बोटॉक्स ही कराइए, मैं तो यही एडवाइस क्यों, क्योंकि इसमें क्या रहता है, एक तो 99% बाल स्ट्रेट भी करता है, 99% हमारे बालों को नरिशिंग भी करता है, सॉफ्टनेस करता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस करता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। लास्ट में आपको तो एंडिंग आप लोग ने देख लेना, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे ज़रूर बताओ आप लोग ने किस किस ने केराटिन कराया, ठीक है गाइस? और आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़, आप लोग वीडियो जब देखते हो तो मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए कौन सा वीडियो लेके आना है आप लोगों को, किस टॉपिक में लेके आना है, किस चीज़ के बारे में, मैं उस टॉपिक में वीडियो लेके आया करूँगा, ठीक है गाइस? और मेरा ऐसी शॉर्ट वीडियो भी देखा करिए, ठीक है? और ज़रूर, ठीक है, अब हम क्रीम अप्लाई करने के बाद आपको नेक्स्ट बताते हैं। तो हम लोग ने क्रीम अप्लाई कर चुके हैं, तो हम लोगों को रखना है 45 मिनट्स, ठीक है? 45 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए, तो ये 45 मिनट्स में, और आपको 2 शावर कैप लगाना है, अगर आपके पास क्रीम रैपर है वो भी लगाइए, ठीक है? तो अब आपको बताते हैं 45 मिनट्स के बाद क्या करना है। तो गाइस, आप लोग ने 45 मिनट्स के बाद आप लोगों को अच्छी तरह से ब्रो ट्रायल करना है, वो भी मीडियम हीट पे, फुल हीट पे मत करना, क्योंकि ओवर हीट हो जाएगा, मैं आप लोगों को ये बताऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग फुल हीट में करते हैं, जल्दी जल्दी में, जल्दी से हम लोग क्लाइंट का जल्दी जल्दी कर दें हम लोग, कभी भी क्लाइंट लोगों को जल्दी जल्दी नहीं करना, क्योंकि वो लोग भी हमको मनी पे करते हैं हमको, ठीक है? हम लोग लेते हैं 8,000-10,000 लेते हैं, तो हम लोग को आराम आराम से करना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको अच्छा रिजल्ट भी देना है, ठीक है? कोई फ्री में नहीं करा रहा है पहली बात तो, और मैं आप लोगों को यही बताऊँगा, आराम से करिए, पेशेंट के साथ करिए, और अपना अच्छा बेस्ट रिजल्ट दीजिए, ठीक है? तो अब फ्लैट ब्रश से आप लोगों ने अच्छी तरह से ब्रो डेल करना है, सेक्शन बाय सेक्शन करना है, ठीक है? इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो हमारा ब्रो डेल होने के बाद हमको सेक्शन बाय सेक्शन हमको अच्छी तरह से आइनिंग करना है, ठीक है? आइनिंग भी हम लोग कर रहे हैं 210 पे, क्योंकि इनका सेकंड टाइम है, तो मैं आप लोग को यही बताऊँगा, सेकंड टाइम पे 190 चलाओ वरना 210 चलाओ, ठीक है? और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग कौन सा आइनिंग यूज़ करते हो, कौन से ब्रांड का, मैं तो आइकॉनिक यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे आइकॉनिक के सबसे बेस्ट मुझे सीरीज लगते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना तो आप लोग कौन से आइनिंग यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने आइनिंग बहुत आराम से कम हम लोगों ने 15 स्ट्रोक करने हैं, ठीक है? तो अगर आपका आइनिंग बहुत अच्छा है तो आप लोग स्ट्रोक भी भूल जाओ, मैं तो कह रहा हूँ 4 स्ट्रोक वरना 5 स्ट्रोक मारो, बहुत आराम से हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अब हम लोग ने आइनिंग कर चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं आइनिंग करने के बाद ऐसा है, ठीक है? ये रिजल्ट ही है गाइस, अभी हम लोग ने वॉश भी करना है, और
आयरनिंग करने के बाद 10 मिनट्स रोकना है, ठीक है। उसके बाद वॉश करने के बाद आपको तो हम लोग ने वॉश कर चुके हैं क्यूडी मैक्स प्राइम के, उसका शैम्पू एंड कंडीशनर से करना है। हमेशा याद रखना जो आप लोग कैरेटिन यूज़ कर रहे हो उसी का शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना है, ठीक है। इसमें भी हम लोग मीडियम हीट करेंगे, ठीक है। हम लोग फुल हीट में नहीं करेंगे क्योंकि हीट से उनको पता लग जाएगा ऐसे करके, ठीक है। नॉर्मल ड्राई करो आप लोग, मीडियम हीट में करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सुखाने के बाद आपको पता लग जाएगा कैसा रिजल्ट है, ठीक है गाइस, आप लोग देखते रहो। तो गाइस ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, देखिए कितना अच्छा आया है, ठीक है। और ये सेकंड टाइम है, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड टाइम है। और इनके बाल देखो कितने अच्छे, ये मैम को भी इतना पसंद आया, ये देख लो सेकंड टाइम भी कराने आ गया। तो गाइस आप लोग सेकंड टाइम, मैं तो कहता हूँ आप लोग चार्ट बार भी कर सकते हो और अच्छी तरह से करा सकते हो, ठीक है। आपको ये देखो एक एक सेक्शन निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा है।